और खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। पटना के कदम कुआं थाना इलाके के अबुलास लेन में शंभुनाथ कॉम्प्लेक्स में देसी बम मिलने से सनसनी फैल गई। बम कॉम्प्लेक्स के गार्ड के रूम से बरामद हुआ है। सूचना मिलने के बाद बॉम्ब स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। वही टीम के मौके पर पहुंचने के बाद बम को खुले मैदान में लेकर जाकर उसको डिफ्यूज किया गया। हालांकि बम निरोधक दस्ते ने जब जांच की तो ये आतिशबाजी के काम आने वाले पटाखे निकले। इसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। ये वहाँ पे अबू लैस लेन में एक अपार्टमेंट है, शोभनाथ, प्रिय शोभनाथ, उसी में गार्ड का रूम है, उसी में था वो। क्या लगता है कितना विस्फोटक था? विस्फोटक है, हो सकता था अगर ये फट जाता तो। नहीं, वो क्रैकर है, क्रैकर का जो भी होता है वो तो रिपोर्ट देंगे बम स्क्वाड टीम क्या है क्या नहीं है, लेकिन क्रैकर है वो। अगली खबर सीवान से है, जहां एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। राधा किशन सिंह मिनरल वाटर फैक्ट्री के मालिक थे। वारदात बावना पूनक बाजार के पास हुई है। हत्या की वजह आपसी रंजिश बताई जा रही है। 3 महीने पहले राधा किशन के भाई की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में उबाल है, परिजन खासे आक्रोशित हैं। नाराज लोगों ने सिवान दौरली रोड को जाम कर दिया। जाम हटाने पहुंची पुलिस को भी लोगों ने भगा दिया। पीड़ित परिवार के सदस्यों का आरोप है कि पुलिस पैसे लेकर अपराधियों को नहीं पकड़ रही है। परिजनों ने डीएम से उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। वैशाली पुलिस और जीआरपी ने अंतर्राज्यीय नशा खुरानी गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना विनय शंकर ठाकुर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके पास से मोटरसाइकिल, लैपटॉप, दर्जन मोबाइल फोन और प्रतिबंधित नशे की दवाइयां भी बरामद की है। औद्योगिक थाना के अंतर्गत आज जानकारी प्राप्त हुई कि नशा खुरानी गिरोह के सक्रिय सदस्य विनय शंकर ठाकुर जो किसी अपराध की योजना से सुल्तानपुर ग्राम में आए हुए थे, तीनों के द्वारा ही अभियुक्त विनय शंकर ठाकुर की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास गिरफ्तारी के उपरांत काफ़ी मात्रा में नशा खुरानी के दौरान अन्य चोरियों के दौरान चोरी किए गए सामान की बरामदगी हुई है। अब बात सुपौल जिले की कर लेते हैं, जहां सरायगढ़ प्रखंड के मुरली गांव में भोज का खाना खाने से करीब 100 लोग बीमार पड़ गए। गांव के नू झा के घर उपनयन संस्कार का कार्यक्रम था, जिसमें बना खाना खाने के बाद लोगों को उल्टियां और दस्त होने लगी। तबीयत खराब होने के बाद बीमार लोगों को किशनपुर और भपटियाही पीएचसी में भर्ती कराया गया। जिन लोगों की तबीयत ज्यादा खराब थी उन्हें सुपौल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि सभी की हालत खतरे से बाहर है। डॉक्टर इसे फूड पॉइजनिंग का केस बता रहे हैं। पता नहीं चला हम लोग में किस चीज में क्या था। खाने के बाद 2 घंटे के बाद ही उल्टी होना, पेट में दर्द होना शुरू हो गया। उपनयन था, उसी में भोज था, पूरी सब्जी और छेना का मिठाई, रसगुल्ला, दही, चीनी, इसी में रसगुल्ले में कोई गड़बड़ी था, एक्सपायरी डेट का था वो ऑर्डर, महसाना की क्या था नहीं था पता नहीं। कितने लोग बीमार पड़ गए हैं तकरीबन? लगभग 100 आदमी। सब पेशेंट गैस्ट्रोएंटेराइटिस की पेशेंट लग रही है, जैसे फूड पॉइजनिंग हुआ उसके कारण से लग रहा है। रात में कहीं भोज में खाया था उसके कारण से सबको दिक्कत हुआ। यहाँ जितना पेशेंट आया है सब लोग ठीक था। इधर पटना सिटी अनुमंडल के खुशरूपुर स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन से गिरकर स्कूली छात्र छात्राओं की मौत हो गई। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे और खुशरूपुर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि दोनों पैसेंजर ट्रेन से शादी समारोह में शामिल होने के लिए बख्तियारपुर जा रहे थे। ट्रेन में भीड़ की वजह से दोनों गेट पर खड़े थे। वही अचानक धक्का खाने से पूजा गेट से बाहर जाने लगी और उसे बचाने की सिंटू ने कोशिश की, लेकिन दोनों ट्रेन से गिर पड़े और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना से परिवार में मातम का माहौल है। दोनों अगल बगल के चचेरे भाई बहन थे, वो अपने घर से निकले शादी में आने के लिए, लेकिन एक बच्चा गिर गया, दूसरे देखने के फेरे में वो भी गिर गया। और घटनास्थल पर घटना के बाद सूचना मिलने में लेट हो गई, तब तक वहाँ का थाना प्रभारी लोग अपने आए, वो उनके गार्जियन को पता चला, वो बख्तियारपुर आके देखे वगैरह, उसके बाद फिर जो कार्रवाई है वो हो रही है। अब बात करेंगे बिहार में पैदा हुए जल संकट की। तो बिहार में जल संकट को लेकर
हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि राज्य में जल संकट के हालात कैसे पैदा हुए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 अप्रैल को होगी। तो राज्य में जल संकट पैदा हो गया है और इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर राज्य में जल संकट पैदा कैसे हुए। और बात सिवान की करेंगे, जहां पानी के लिए हाहाकार मचा है। हसनपुरा ब्लॉक में सभी चापाकल सूख गए हैं, जिससे लोग पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। बताया जा रहा है कि वाटर लेवल नीचे जाने से चापाकल बेकार हो गए हैं। वही महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी भरकर लाना पड़ रहा है। बिहार में पेयजल को लेकर सरकार पूरी तरह से सावधान है और किसी भी इलाके में पेयजल की कोई कमी नहीं होगी। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में राज्य के पीएचईडी मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने दावा किया है कि सिर्फ एक कॉल पर लोगों के घर तक वाटर टैंक पहुंचेगा। मेरा ये कहना है कि स्थिति अभी बहुत चिंताजनक नहीं है। तमाम जिलों से जो रिपोर्टें आई हैं वो ऐसा है कि अभी काम चल रहा है, और जहां कहीं भी अगर कोई ज़्यादा विशेष संकट की सूचना होगी तो हम लोग टैंकर का व्यवस्था कर रखा है हर जगह पर।